बकरियों का झुंड आया हुआ है गाइस, देख सकते हो। इस प्रकार गांव के बकरी लोगों को भगाना पड़ता है गाइस। देखिए उधर सामने एक गाय भी आया हुआ है। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइस आज मैं आपको व्लॉग तो नहीं दिखाऊंगा पूरा, लेकिन आज का दिन का हाल बताऊंगा, यानी कि आज दिन कैसे है, पानी गिर रहा है कि बरसात। तो गाइस आप पीछे देख के वीडियो के पीछे समझ ही गए होंगे कि आज तो बरसात नहीं हो रही है गाइस, आज तो फुल गर्मी लग रही है। अभी दिन के 3 बजे हुए हैं गाइस, आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा दिखता है। तो ज़बरदस्त नज़ारा और ज़बरदस्त गर्मी लग रहा है गाइस यहाँ पर। मैं आज इधर आया हूँ खेत में रखवाले के लिए, यानी कि धान को गाय ना खाए करके गाय मन को भगाने के लिए खेत आया हुआ था। तो गाइस आज बरसात नहीं हुआ है, 2 दिन बरसात नहीं होने के कारण आज तो फुल गर्मी लग रहा है यार, यानी कि पूरा आसमान खुला हुआ है। और आपको बैक कैमरे से पीछे का व्यू भी दिखाऊंगा। तो गाइस आप वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। अभी तो फुल गर्मी लग रहा है गाइस, अभी देख सकते हो मेरा बाल उल भी पूरा बिगड़ चुका है गाय भगाते भगाते। देखिए गाइस क्या करें, भगाना पड़ता है। अभी गाय मेरे को यहाँ पर चराने स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी गाय का रखवाली यानी कि दान का रखवाली करने के लिए गाय को भगाना पड़ता है। दान थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसका रखवाली करना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन के बाद में गाँव में चराने वाले हैं गाय लोगों को, तो तब तक अपन को दान की रखवाली करना पड़ेगा गाय मन को भगा के। तो गाइस एकदम वाइट वाइट दिख रहा है पीछे में, तो आप देख सकते हो इधर एक बाइक वाला भी जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है गाइस। इधर रोड है मेरे पीछे में, तो आप देख सकते हो इधर गाइस। आप वीडियो में कटनी बने रही है, तो आइए देखते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। देख सकते हो गाइस इस प्रकार से यहाँ पर अभी बकरी बन के बच्चे आए हुए हैं, धान को देख सकते हो किस तरह खा रहा है। और ऊपर वाला खेत में तो पूरा बकरियों का झुंड आया हुआ है गाइस, देख सकते हो। इस प्रकार गांव के बकरी लोगों को भगाना पड़ता है गाइस। देखिए उधर सामने एक गाय भी आया हुआ है, उसको भी भगाना पड़ेगा। इधर पूरा धान लगा हुआ है, देख सकते हो। ये देखिए गाय देख रहे सब खा रहे हैं, इधर देख सकते हो बकरी पूरा झुंड में खा रहे हैं धान को। अभी इसको मैं भगाऊंगा, तो आप देखते रहिए। बकरी मन को तुर बोलने से भगता है गाइस, अपनी लोकल लैंग्वेज की भाषा इनको आदत पड़ चुकी है ना, इसीलिए तुर तुर बोल के भगाते हैं। तो आप देख सकते हो बकरी मन कैसे भगेंगे। ये खेत घर मन के पास ही है, इधर गाय भी आ रहा है, इधर बकरी भगा रहा हूँ तो इधर गाय आ रहा है। देखो इस प्रकार से गाय बकरियाँ यहाँ पर आते रहते हैं गाइस, अभी शाम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो गाइस बकरी लोगों के निशान है यहाँ पर, कितना खाए हुए हैं। देख गाय बकरे उनके पूरा निशान पैर के देख सकते हैं। यहाँ एक बूंद पानी नहीं है, अभी पानी पूरी तरह से यानी कि सूख चुका है। तो गाइस देख सकते हैं इधर का व्यू कुछ इस प्रकार है यहाँ का। ये देख सकते हैं आपको मैं चारों ओर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। देखिए गाइस आसमान में बादल है ही नहीं बिल्कुल भी, और
पूरा बादल साफ नज़र आ रहा है गाइस, देख सकते हो इधर। और इधर आपको मैं अभी धूप भी दिखाऊंगा। ये देखिए सूर्यदेव यहाँ पर है, कितना मस्त नज़ारा है। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा धूप निकला हुआ है। तो इस प्रकार से आज का मौसम अपने एरिया में पूरा खुला खुला मस्त लग रहा है। दो दिन बारिश नहीं होने की वजह से लगातार एक महीना तक बारिश हुआ गाइस यहाँ पर। ज़्यादा तो बारिश नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है, देख सकते हो इधर। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ गाइस, देख सकते हो ये पूरा मावा पेड़ है इधर। यहाँ पर अभी बुने नहीं है, यहाँ पर भी शायद मरानदान बुनेंगे। ये आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए बैठने का देसी तरीका कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। चार लकड़ियों को काट कर इस प्रकार बनाते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर बैठते रहते हैं, जब नींद लगे तो सोया भी करते हैं गाइस। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार सा बनाते हैं और इसी में दिन भर लगे रहते हैं, यानी कि इसी में दिन भर बैठे रहते हैं। जब गाय आता है इधर तो गाय को भगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर धान गाय खाने के लिए हो चुका है, यानी कि गाय आगे खा सकता है। तो आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा है गाइस। देखिए यहाँ पर मैं अभी बैठता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो। ये देखिए गाइस, मैं अभी बैठ चुका हूँ यहाँ पर, देख सकते हो। यहाँ देखिए मैं बैठ चुका हूँ, इस प्रकार से बैठे रहते हैं, खुल खिलाते हुए धूप निकली हुई है गाइस, देख सकते। देखिए इधर किसी का नज़ारा। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।